और वहीं आजमगढ़ से बड़ी खबर, युवक की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। और वहीं सुबह पिता को ट्रेन में बैठाने गया था मृतक, बिल्यारीगंज थाने के मदनापुरम में मिला है शव। युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। को बता दें कि सुबह पिता को ट्रेन में बैठाने गया था मृतक, उसके बाद बिल्यारीगंज थाने के मदनापुर में शव बरामद किया गया, जहां पर और वहीं आज को बता दें आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है और युवक की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है, जहां पर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें मदनापुर में इसका शव मिला है। सुबह पिता को ट्रेन में बैठाने गया था मृतक, इसके बाद उसका शव मदनापुर में मिला है। शव बिल्यारीगंज थाने के मदनापुर में शव बरामद किया गया है। उसके हत्या के बाद हड़कंप मच गया है, जहां पर चाकू से गोदकर हत्या की गई है। युवक की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है, जहां पर युवक को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। खबर कासगंज से है, जहां पटियाला थाना क्षेत्र में शनिवार को पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार दंपत्ति पर हमलावरों ने फायर झोंक दिया। गोली महिला की पेट में जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक इलाज दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों से भी बातचीत की। ये मेरा भतीजा है और ये भतीजे की पत्नी है, मेरे पुत्र वधु है रिश्ते में। क्या नाम है इनका? बिमलेश। बिमलेश कहाँ के रहने वाले हैं ये? नंगला केसरी। गोली किसने मारी है इनके? गोली अंशु सन ऑफ जुगेंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला केसरी के, उसके साथ दो तीन और थे। और वहीं खबर अब बाराबंकी से, जहां एक गरीब के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने के नाम पर दबंग कोटेदार ने पीड़ित से साढ़े स्टैंप पर हस्ताक्षर करवा लिए। शिकायत करने के बाद भी पुलिस इन धोखाधड़ी करने वालों के आगे नतमस्त हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से की है। यह पूरा मामला सतरिक थाना क्षेत्र के मोथरी गाँव का बताया जा रहा है। ये समस्या है कि हम मोथरी रहने वाले हैं, ससुराल में रह रहे हैं इस वक्त, और बीमार थे तो 10,000 रुपये इन्होंने दिया था हमको। कौन? नरेश यादव और संदीप यादव, ये दो लोग आए थे, और ननचुन्ना आए थे, सुखदेव कुमार आए थे। अच्छा, जब आप बीमार थे? हाँ, जब बीमार थे तो फिर इनको हम पैसा देने के लिए वापस लड़के को अपने भेजे तो उनसे भी नहीं लिए, फिर हम गए हमसे भी नहीं लिए। फिर इन्होंने आधार मांगा कि हम यहाँ के कोटेदार हैं और तुम्हारा राशन हम भिजवाते रहेंगे और तुम्हारा होटल नाम कटा, हम प्रधानी में खड़े हो रहे हैं और एक रेट मेरी बढ़ जाएगी, तो हम उसके लिए इनको दे दिए थे। फिर हमको बुलाए कि आप आइए सर जो है यहाँ घर पे, तो गए तो साइन इन्होंने करा लिए हमसे, कहा नाम लिख दो और जो है आधार ले जाओ, फिर तुमको हम बुलाएंगे तो अपना राशन ले जाना। तो इसके कह करके हम चले आए फिर घर। अब हम दोबारा गए तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो है आपका ज़मीन तो हमारे हाथ बिक चुकी है, तुमने कहा भैया हमने बेचा ही नहीं था, और लड़की और लड़कों की शादी करेंगे, कोई इमरजेंसी हो तो भले ही बेचे, नहीं तो वरना बेचेंगे नहीं।